अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए मटन सालन जो घर में डेली रूटीन में बनता है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन सालन जो शोरबे वाला बनता है घर में आम रूटीन में, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सेम रेसिपी फॉलो करें, ट्राई करें, फिर कमेंट्स में बताएं ये कैसा बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए मटन सालन मटन शोरबा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक किलो मैंने मटन ले लिया है, ये इसमें मैं प्रेशर कुकर में डाल लूँगी। पहले ये मैंने 3 गिलास पानी के डाले हैं इसमें, तो ये फिर मैं 1 किलो मटन इसमें डाल दूँगी। ये 2 बड़े प्याज मैंने काट के इनको धो लिया है, इसमें ये मैं डाल दूँगी। साथ में ये 1 इंच का टुकड़ा दार उसका है अदरक का, और एक बड़ा जो गुठली होती है लहसुन की वो है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया जाएगा पिसा हुआ, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, ये इसमें 1/2 टीस्पून जीरा जाएगा, और ये दालचीनी लौंग और ये सब्जी इलायची ये इसमें थोड़े से जाएंगे। इसको मैं 20 मिनट के लिए प्रेशर पे रख दूंगी, फिर जैसे ये 20 मिनट होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटन गल चुका है, इसको मैंने 20 मिनट प्रेशर दे के गला लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी तकरीबन ये 2 डोई भर के, ये 1/2 कप बनता है, 1/2 प्याली, ये इसमें ऑयल डाल दूंगी। साथ ही मैं ये 2 बड़े टमाटर काट के रखे हैं ये डाल दूंगी, इसको अच्छे से भून लूंगी। ये मटन भून रहा है तो यहाँ पे मैं ये 2 खाने के चम्मच इसमें दही ऐड कर दूंगी, फिर इसको अच्छे से भून लूंगी। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये मटन भून चुका है अच्छे से, इसमें मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दूंगी पिसा हुआ, तो अच्छे से भून लूंगी। अब यहाँ पे मैं ये ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी, इसको 5 मिनट के लिए ये मैं पका लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटन शोरबा हमारा तैयार है, ये मैंने आग बंद कर दिया, मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। इसको मैं अब ये डोंगे में निकाल लूंगी। ये इस पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया से गार्निश कर लूंगी। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सिंपल और आसान सी सा मटन बना हुआ है, ये आप ज़रूर ट्राई करें, घर में खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। तो ये आप सेम रेसिपी फॉलो करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस तरह बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।